कटरा से यात्रा का शुरुआत होता है। मैं यात्रा का पर्ची लिया और 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई पर निकल पड़ा। हम लोग ऊपर चढ़ते हुए 3 किलोमीटर ऊपर है और ये देखो रात का व्यू पीछे, ये वहाँ से आ रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। अभी 2.5 घंटे लगातार चल के ऊपर आया हूँ। इस यात्रा में हर कदम पर माँ की कृपा का अनुभव होता था। अंततः हम भवन पहुंच चुके हैं जहां माँ वैष्णो देवी 3 पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। मैं हूं 5,200 फीट की ऊंचाई पर माँ वैष्णो देवी मंदिर। मैं 6 बजे शाम को नीचे से चलना शुरू किया था और करीब 1 बजे लगभग पहुंच गया था ऊपर, और उसके बाद मैंने आधे घंटे लगभग मैंने जाकर वहाँ पीछे करीब दर्शन करके आ गया हूँ और इस वक्त 2 बज रहे हैं। माँ वैष्णो देवी रात को पहुँचा और दर्शन से करके ये कुछ हो गया था और 7 बजे और मैं अब यहाँ चल रहा हूँ भैरव बाबा मंदिर, ये ऊपर है करीब थोड़ा और चढ़ाई ऊपर है, वहाँ पे चलेंगे और आज शाम को वहीं रहेंगे। ये जो खड़ी चढ़ाई है अगर आप इस पर तेज चलते हो सांस फूलने लगा, आराम से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलते रहो ऊपर, वो भी हो ही रहा है, बस धीरे धीरे चल रहे हैं और अभी लग रहा है मुझे 1 किलोमीटर आ गया। मैं पूरा खड़ी चढ़ाई देखो यहाँ भाई बहुत शांति है, मतलब ऊपर से लग रहा है पूरा जंगलों के बीच में घूम रहे हैं। ये देखो पूरा एकदम आराम शांति चढ़ाई होते जा रही है और ऊपर मज़ा भी आ रहा है क्योंकि जितना ऊपर जा रहा है उतना आराम और सुकून मिल रहा है। पानी नहीं पी के चले फिर ऊपर की तरफ। देखो अभी तो मुझे लगा 40 मिनट हुआ नीचे से आते हुए, आधा से तो कवर हो गया। खड़ी चढ़ाई है नहीं तब तक तो मैं पहुंच जाता। तेज चलने का मतलब सांस फूल रहा है, धीरे धीरे चलते रहो बस। देखो कब तक पहुंचते हैं, ये अभी पहाड़ों पे सनलाइट यहाँ तक पहुँचा है। अभी मैं जहाँ इस एरिया में हूँ यहाँ पर रुकना अलाउड नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही पत्थर हमेशा गिरते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे चलते रहना है बस। यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक भैरव घाटी में स्थित भैरवनाथ मंदिर के दर्शन नहीं कर लेते। यह मान्यता है कि भैरवनाथ के दर्शन के बाद ही यात्रा संपूर्ण होता है। Thank you.
बाबा के दर्शन हो गया। और देखो यहाँ से जाने का दो रास्ता है नीचे, एक तो उससे वापस चले जाओ और दूसरा है आगे से घूम के जाओ। मैंने उससे आगे चलते क्योंकि वापस जाना मज़ा नहीं आता, क्योंकि वही रास्ते से आए थे उसी से वापस नहीं जाएंगे, आगे से घूम के फिर नीचे जाएंगे। मैं अभी भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करके आया हूँ और मैं अभी 6600 फीट घाट पर बैठा है। देखो पीछे पूरा बादल ऊपर है, ज़मीन नीचे है। हालांकि मुझे थोड़ा डर लग रहा है कहीं घिसक न जाए कुछ, रुको रुको बनाया जाए। बैठा हूँ यहीं पे कुछ टाइम, नीचे जाने का मन नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं शाम तक जाऊँ। तकरीबन एक घंटा इंतजार करने के बाद मैं फिर से ही चला हूँ। हालांकि थकान तो नहीं है लेकिन फिर भी रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अब चलना सीधे नीचे आराम से चलेंगे शाम तक थोड़ा घूमते हुए। फिर कल रात में आए तो दिखा नहीं था पहाड़ वहाड़, अभी चल रहे हैं, थकान कम हो रहा है। कल मैं शाम को 6 बजे यात्रा शुरू किया था कटरा से, उसके बाद अभी मतलब सुबह के 12 बज गए हैं। मैं रात को सिर्फ 3 घंटे सोया था क्योंकि रात को 1 बजे पहुंचा ऊपर, गया माता रानी के दर्शन किया, आया उसके बाद फ़ोन वोन चार्ज करके करीब मैं 3 बजे सोया और सुबह 6 बजे उठ गया, क्योंकि इतना ठंड था कि नींद ही नहीं लगा। उड़ने के लिए सब कुछ मतलब जो था लाया था स्लीपिंग बैग वो लॉकर में जमा कर दिया था, इसलिए फिर उठ गया तो सोया ही नहीं। फिर वहाँ से उठ के ऊपर आ गया भैरव बाबा मंदिर और वहाँ पे करीब 3-4 घंटे ऊपर रहा, उसके बाद अब नीचे आ रहा हूँ। पर अभी मैं नीचे जाऊँगा नहीं, अभी थोड़ा नीचे जा रहा हूँ वहाँ रुकूँगा, क्योंकि इतना मस्त जगह है कि मेरा नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा। अभी तो शाम तक चलेंगे या रात तक चलेंगे आराम से, क्योंकि कल मैं रात को आया तो ये सब व्यू इतना अच्छे से देख नहीं पाया। अर्धकुमारी वो स्थल है जहां माँ वैष्णो देवी ने भैरव से बचने के लिए 9 महीने तक तपस्या की थी। यह स्थल भक्तों के लिए असीम श्रद्धा का केंद्र है। देखो अभी मुझे जाना है, ये जो सामने दिख रहा है ये यहाँ पर, अभी यहाँ से करीब 8 किलोमीटर और बचा है, अब चला नहीं जा रहा। जहाँ खाने को मिलेगा बस वही खा के सो जाऊँगा, सुबह आगे चलूँगा। घुटना दर्द करने लगा दोनों, चलते वक्त पता नहीं चला, हाथ चौक नीचे पता चल रहा है। चलो मुझे लग रहा है यहाँ पहुँचने वाला हूँ कुछ टाइम पे, कुछ खाएंगे। अभी बज रहे हैं 3 बज रहे हैं और मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरा बारिश हो गया था पूरा, यहाँ देख रहे हो मतलब अचानक से बारिश हुआ। ये मेरा स्लीपिंग बैग है, ये भी बिक गया, अब मैं सो भी नहीं सकता। अब यहाँ चल रहे नीचे, ये बारिश तेज हुआ था, मैं भी बिक गया रेनकोट पहनने, और चलते नीचे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि फ़ोन भी चार्ज नहीं है, फ़ोन भी साथ 5% चार्ज बचा है। चलिए चलते नीचे भाई, अभी भी बारिश हो रहा है, चलो अब तो नीचे चल के रुकेंगे क्योंकि रास्ते में रुकना सही नहीं रहेगा, बारिश तेज है, चलो चलते रहते हैं। अभी चरण पादुका पहुँच गया, मेरे पीछे दिख रहे हो कटरा का व्यू है पूरा। अभी यहाँ शायद 1.5 किलोमीटर बचा है, चले नीचे, अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे सुबह सुबह भी।
पहला महत्वपूर्ण स्थल है जहां भक्त स्नान कर यात्रा को शुद्ध करते हैं। उसके बाद चरण पादुका, जहां कहा जाता है माता ने अपने चरण रखे थे। भाई यहां से करीब 1 किलोमीटर नीचे बचा है, वैसे ऑलमोस्ट नीचे आ गए हैं। अब चलने का हिम्मत नहीं है, अब तो सोच रहा हूँ बस नीचे के सो जाऊंगा। बहुत ही नींद लग रहा है, बोलने के तो मन बिल्कुल नहीं हो रहा। आप तो रास्ता भाई बहुत फिसलन वाला हो गया है, देखो पूरा पानी गिरा है, बहुत संभल के चलना पड़ रहा है नीचे की तरफ। असल में मेरा ही नहीं, यहाँ पे सबका हालत खराब है जो जा रहे नीचे ना, जाते ही चले जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपसे हम थोड़ा दिक्कत हो रहा है। भाई बस मेरा हाल है, सबका हाल है, मतलब नीचे आता हूँ ना सबका पैर फट जा रहा है। चल रहे हैं कुछ लुढ़कते लुढ़कते चल रहे हैं नीचे। अब ऊपर जाने में तो भाई मुझे पता नहीं चलेगा रात को गया, पर हाँ आने में भाई बहुत दर्द कर रहा है पैरों। ये दो पहाड़ देख रहे हो जितना, ये जो ये देख रहे हो टावर देख रहे हो, इसके उस पीछे की तरफ है, और यहाँ पे और आपका यहाँ पे अर्थपुरी देवी यहाँ पे, और उससे वहाँ ऊपर टावर पे, उसके पीछे माँ वैष्णो है, फिर वैष्णो देवी से ऊपर काल भैरव है, और ये ऊपर जो माँ वैष्णो का मंदिर है जो लोग फोटो में देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा दिव्य है। मैं भी यहाँ पे अपना स्लीपी बैंक रात को सोया था, उड़ के वही पूरा भिग गया बारिश आने के बाद, मैं सुखवा रहा हूँ, फिर यहाँ से चलेंगे आगे। मैं भी यहीं रुका हूँ। माँ वैष्णो देवी की कृपा से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हों। जय माता दी।